सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रैंकर्स 910। दिस इज प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोज के पहले चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क्या प्रोसेस रहेगा हमारे इंग्लिश स्ट्रेटजी का, हम इंग्लिश आपको किस तरीके से प्रोसीड कराएंगे। जी हाँ, इसमें हम आपको बताएंगे अ लेटर टू गॉड का फुल समरी इन हिंदी। पहले आपको समरी एक कायदे रूप में, मतलब देखिए क्या होता है, आप कोई भी कहानी पढ़ते हो, अगर किसी के सामने आपको उसको व्यक्त करना हो अपने भाषाओं में, तो कम टाइम में आप व्यक्त कर देते हो, कम टाइम में आप उनको बता देते हो कि ये कहानी ऐसी हुई थी, ये कहानी ऐसे हुई थी। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, कोई मूवी आप देखते हो, मूवी देखने के तत्पश्चात अगर आपको कोई पूछता है कि मूवी का क्या सारांश था, मूवी का क्या समरी था, तो आप 2 मिनट में उसको प्रोसीड करा देते हो, 2 मिनट में आप बता देते हो ये विलन था, इस तरीके से ये कहानी है, इसका मेजर पर्सन ये है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना, तमाम प्रकार की वगैरह वगैरह बातें होती हैं। तो इसमें हम आपको अ लेटर टू गॉड की कहानी से पिरोएंगे और इसमें हम आपको बताएंगे फुल समरी इन हिंदी, अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पहले जीएल फ्यून्स के बारे में। जीएल फ्यून्स क्या थे? जीएल फ्यून्स एक अच्छे ही जर्नलिस्ट भी थे और एक अच्छे राइटर भी थे। जर्नलिस्ट बहुत अच्छे थे, इनके जर्नलिस्ट भी कुछ कथाएं हैं जो आप पढ़ सकते हो, और राइटर में एक इन्होंने एक कहानी पेश की है अ लेटर टू गॉड, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो लिखते हो तो इसमें इस कहानी से आपको कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। सारांश के बाद, पैसेज के बाद, पहले प्रोसेस होगा चैप्टर का, प्रोज का पहला प्रोसेस होगा कि प्रोज का पहला चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यून्स का हम आपको फुल समरी इन हिंदी बताएंगे। उसके बाद पैसेज वाइज आपको सारांश बताते जाएंगे, हार्ड मीनिंग्स आपको प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब पूछा मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं फुल समरी इन हिंदी। जीएल फ्यून्स एक आपके बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी थे और बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। इन्होंने एक कहानी आपको प्रोसीड कराया है आपके 10th बुक का, प्रोज का पहला चैप्टर, फर्स्ट प्राइज, इट मीन्स अ लेटर टू गॉड, जिसने जीएल फ्यून्स ने लिखा है। इस कहानी का सारांश यही है, एक उसमें लीड रोल किसके दिया जाता है, एज अ मूवी में देखते हो तो हीरो होता है, इट मीन्स नायक होता है, खलनायक होता है, तो इसमें हम आपको बताते हैं रोल किसका किसका है। एक तो पहला रोल है लेंचो, दूसरा रोल लेंचो की पत्नी भी रहती है, लेंचो के 2 बच्चे रहते हैं, और पोस्टमास्टर और गॉड से रिलेटिव, गॉड से संबंध बनता रहता है। लीड रोल इसमें हम बताएं सबसे मेन रोल है वो गॉड का है, गॉड का पत्र के प्रति जो लेटर है, लेटर का गॉड के प्रति, गॉड का लेटर के प्रति, यही दोनों लीड रोल हैं। ठीक है, आप बताओ कि भैया आप इसमें लेंचो को क्यों नहीं लीड रोल बता रहे हैं, क्योंकि भाई जो कहानी का एग्जैक्ट जो नाम रखा हुआ है अ लेटर टू गॉड, तो इसमें गॉड को ही हम लीड रोल मानेंगे। तमाम प्रकार के स्टूडेंट, तमाम प्रकार के यूट्यूबर्स बताएंगे कि लेंचो को मेन रोल जो है वो लेंचो को बताया जाता है, बट मेरी तरफ से गॉड को आप मेन रोल ले लीजिए। उसमें कहानी क्या है, कहानी यही है कि लेंचो का जो भी हार्वेस्ट होता है यानी जो भी फसल होती है, उसी फसल से उसका 1 साल का खर्चा, 1 साल का इनकम उसी से निकलता है। एक बार की बात है कि लेंचो बुआई चल रही थी, बुआई चलने के तत्पश्चात अगर टाइम टाइम से वर्षा पानी दे दी जाता तो अनाज बहुत ही अच्छे रूप में पैदावार होती है। एक बार की बात है, बहुत ही अनहोनी घटना घटी, यानी लेंचो जब खेत में, बहुत सब लोग खुश थे, उनके 2 बच्चे बाहर खेल भी रहे थे, मतलब लेंचो की पत्नी खाना बना रही थी, उसी वक्त बूंदाबांदी शुरू हुई। तो लेंचो अपनी पत्नी से बोलता है, ये जो बूंदाबांदी हैं ये हमारे लिए 10 पीसूस का, छोटे बूंदे जो हैं वो 5 पीसूस का काम कर रही हैं, और जो बड़े बूंद हैं वो 10 पीसूस का, इट मीन्स 10 पीसूस का काम कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारे हार्वेस्ट के लिए भी बहुत लाभदायक है। जी हाँ, उसके बाद क्या होता है अगले कड़ी में कि बारिश होते 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 बर्फ की भी बूंदें गिरने लगती हैं, बर्फ भी गिरने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं, शाब्दिक अर्थ में हम इसको लें तो ओले पड़ने लगते हैं। जब ओले पड़ने लगते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ओले पड़ने का मतलब हार्वेस्ट का हानि पहुंचाना, मतलब फसल को अच्छी क्षतिग्रस्त करना। जब फसल ही क्षतिग्रस्त हो गई, जब उसके अनाज ही टूट के जमीन पर गिर पड़े,
तब हमारी पैदावार कैसी होगी? नहीं होगी ना। कभी कभी अगर आप किसान के बेटे हैं, आप भी जानते होंगे कभी कभी अगर ओले पड़ जाते हैं, बर्फ पड़ जाते हैं, तो जो मान लीजिए धान है, तो धान के जो पैदावार जिसमें होती है, इट मीन्स धान के कड़ कड़ मतलब टूट के बिखर जाते हैं, तो उस साल किसान बहुत मायूस हो जाते हैं कि इस साल हमारी फसल नहीं हो पाएगी, इस साल हम कैसे रहेंगे। कुछ किसान इस मजबूरियों को लेकर सुसाइड भी कर लेते हैं। जी हाँ, तो हम लेंचो की कहानी पे आते हैं। लेंचो का कहानी का ये मतलब था कि फसल उसका उस टाइम, मैंने आपको बताया कि जो भी उसका फसल होता था उसी फसल से उसका एक साल का इनकम होता था, एक साल का इनकम अपने आप में मैनेज करता था, दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी औरत का घर का काम धाम सब कुछ एक साल के हार्वेस्ट से, एक साल जो फसल होती थी उसी की कटाई बुआई, जो भी अनाज बेचता था बेच के पैसा इनकम उसी से होता था। तो उस बार क्या होता है, ओले पड़ जाते हैं, ओले पड़ने के बाद फिर उसको ये लगता है कि हमारे फसल बिखर गए हैं, अब हमारी फसल नहीं हो पाएगी। तो उसका एक आश्रय था, वो थे गॉड यानी भगवान, उसके एक आश्रय थे भगवान। वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उसने कहा कि चलिए हमारी फसल तो खराब हो गई बट भगवान हमारा साथ देगा। ठीक है, तो उसने अ लेटर टू गॉड की कहानी, अ लेटर टू गॉड मतलब एक भगवान को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि इस साल की जो मेरी फसल थी वो ओले पड़ने के कारण बिखर गई है, इस साल हमारे पास कुछ आमदनी नहीं है, हम कैसे खाएंगे पिएंगे कैसे करेंगे, तो इस साल आप हमें 100 pieces देवा दे मतलब दे दीजिए, सेंड करिए 100 pieces। यहाँ पे तो छोटी बूंदे थी वो 5 pieces का काम कर रही थी और जो बड़ी बूंदे थी वो 10 pieces का काम कर रही थी। और इसने अ लेटर टू गॉड मतलब जब भगवान को पत्र लिखता है तो 100 pieces की मांग करता है, और यही पत्र लिख के वो जाके पोस्टमास्टर की जो पेटी होती है उसमें डाल देता है। ठीक है, जो कहानी का जो पत्र था मैं आपको एग्जैक्ट पैसेज वाइज बताऊंगा, पैसेज में बताऊंगा, हार्ड मीनिंग के साथ, रूल और रेगुलेशन के साथ बताऊंगा। तो इस मेन मकसद जान लीजिए, उसने पत्र में लिखा था कि हमें 100 pieces चाहिए, तो इस प्रकार से लिख के पोस्टमास्टर के पेटी में डाल देता है। जब पोस्टमास्टर उधर देखता है तो उसके फ्रंट में लिखा होता है गॉड, भगवान को वो पत्र भेजना है। तो पोस्टमास्टर देख के हंसने लगता है कि क्या बंदा है भाई, इसके विश्वास को तो सलामी देना चाहिए, इसके विश्वास को हमें सलामी देना चाहिए, किसका विश्वास है कि हमें 100 pieces आएंगे, हमारी हार्वेस्ट हमारी फसल खराब हो चुकी है, तो हमारी 100 pieces मतलब भगवान दे देगा। वो विश्वास को कायम रखने के लिए पोस्टमास्टर क्या करता है, अपनी एक ग्रुप या अपने एक समूह को इकट्ठा करता है और सबसे जितना होता है वो अपने सैलरी में से सबको दिलवा देता है। कोई 10 pieces देता है तो कोई 2 pieces देता है तो कोई 5 pieces देता है, तो अपने खुद ज़्यादा लगा के। उसका मकसद क्या होता है कि उसके विश्वास को वो कायम रखे, भगवान के प्रति उसके विश्वास को कायम रखे, बनाए रखे। ठीक है, अगर वही पोस्टमास्टर वहाँ पे उस पत्र को फाड़ के ना फेंक देता तो उसका विश्वास भी टूट जाता, भगवान के प्रति टूट जाता ना। ये तो सीरियस बातें हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो उसी विश्वास को कायम रखने के लिए वो क्या करता है, अपने एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप में सबसे 10 pieces 2 pieces लेके अपने कुछ ज़्यादा पैसे प्रोसीड करा के लगभग 70 pieces हो जाते हैं, 70 pieces इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो जब 70 pieces इकट्ठे हो जाते हैं तो कहता है चलो 100 नहीं तो 70 मतलब 100 नहीं तो 70 ही चलेगा बट हमें देना पड़ेगा। तो 70 pieces जब लेंचो आता है तो उसे प्रोसीड कराया जाता है, उसमें बकायदे लिखा भी जाता है कि ये रहा आपका 70 pieces। जब लेंचो उसको पढ़ता है और देखता है काउंट करता है पैसे को तो मिलता है 70 pieces, इट मीन्स 70 pieces। जब इतने पैसे मिलते हैं उसके बाद वो भड़क उठता है, मैंने आपसे 100 pieces की मांग की थी, आपने 70 pieces क्यों दिया। तब उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे यार भगवान ने तो हमें 100 pieces दिया ही होगा, बट ये जो पोस्टमास्टर थे, ये जो इनके ग्रुप है, ये सब चोर और निकम्मे हैं, ये सब चोर और निकम्मे हैं, तो ये सब चुरा लिए होंगे। फिर एक दोबारा पत्र लिखता है, उस पत्र में लिखता है कि जो भी पैसे थे हमारे 30 pieces इन्होंने चुरा लिया, हमें 30 pieces आप हमें सेंड करिए फिर। तो वो जब कहानी जाता है, जब वो फिर एक बार चिट्ठी को लिखता है इस तौर पे कि हमारे 30 pieces गायब हो गए हैं, 30 pieces हमें और चाहिए, हमारा कारोबार, घर का सिस्टम, घर का तौर तरीके, बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, ये जो 30 pieces थे ये पोस्टमास्टर के लोग भी चुरा लिए हमारे 30 pieces। उसको ये विश्वास नहीं था कि पोस्टमास्टर के लोग ही दिए थे, पोस्टमास्टर मतलब जो पोस्टमैन उस्टमैन थे उन्होंने ही दिया था मिल के अपने में इकट्ठा करके, क्योंकि उसका विश्वास कायम रखे, उसका विश्वास बना रखे उस भगवान के प्रति ना। तो जब दूसरी बार चिट्ठी लिखता है तो पोस्टमास्टर देख के हंसने लगता है,
किसी का भलाई भी करो, तो आज के इस लाइफ में, आज के इस जीवन में किसी का आप भलाई करते हो तो आपके अपोजिट ही सोचता है, ठीक है। बट पुष्मास्टर का एक ही रूल था, एक ही रेगुलेशन था, एक ही सिस्टम था कि हमें बस उसके विश्वास को कायम रखना है, भगवान के प्रति उसके विश्वास को कायम रखना। क्या अगर आप पत्र लिखते हो, आप पत्र लिखो कि आपको आप ठीक है आप 10,000 के लिए लिखो, क्या आपको 10,000 आ जाएगा? आज के युग में नहीं आएगा, आपके उस पत्र को फाड़ के फेंक देंगे। बट इस कहानी से हमें यही है कि विश्वास किसी का कायम रखना ही बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसमें जो पोस्टमास्टर का काम, उस लेंचों के प्रति पोस्टमास्टर की निर्देश, उस भगवान के प्रति विश्वास को कायम रखना ही बहुत बड़ा दावेदारी है। ये रहा आपका फुल समरी इन हिंदी गाइड। जैसा कि आपको पता है यार, कोई मूवीज देखने के बाद अगर आपको कोई बताता है तो 2 मिनट की कहानी होती है। उसी प्रकार हमने जो भी अच्छे रूप में आपको प्रोसीड कराने की कोशिश की, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और जाओ, रिवाइज करो, और फिर मैं पैसे वाइज अगले कंटेंट में, अगले वीडियो के साथ पैसेज वाइज मिलूंगा, हार्ड मीनिंग के साथ, एक रूल और रेगुलेशन के साथ। जैसे कि आ गया होम, कभी हाउस आ जाता है पैसेज में, तो आपको पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? नहीं पता है तो मैं उन सब चीज़ों के साथ, रूल और रेगुलेशन के साथ, मैं आपको अगली वीडियो प्रोसीड कराऊंगा। अगली वीडियो में पैसेज के साथ आएंगे, पैसेज के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।